अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जीवे पाकिस्तान। ईद उल अज़हा स्पेशल के साथ आमिर लियाकत हुसैन। कुर्बान जाइए मगर एहतियात के साथ हाजिर खिदमत। और उसके साथ साथ मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब अजहर साहब को, अरशद साहब को, अमजद साहब को, अजहर द बैंड। नाज़रीन मोहतरम, कुर्बानी, कुर्बानी किसको कहते हैं? अल्लाह ताला को ना ये गोश्त पहुंचता है, ना ये खून पहुंचता है, और ना ये खाल। खाल तो वैसे भी फराई दारों को पहुँचती है जो आपसे खाल आके ले जाएंगे। कभी किसी ने आज तक बकरे के गाल नहीं पूछे, लेकिन खाल जरूर आके पूछा है कि खाल कब मिलेगी। तो फिर ये क्या है कुर्बानी? कुर्बानी दरअसल अपने एहसास को ज़िंदा करने का नाम। कुर्बानी दरअसल अपने अंदर मौजूद कुर्बानी के तसव्वुर को जागुजी करने का नाम कि आप कुर्बानी सीखें करना, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपने एहसासात की कुर्बानी, अपनी फिक्र की कुर्बानी। और हर वो चीज़ कुर्बान की जाती है जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो, जो आपको बहुत महबूब हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो। लेकिन रात को आप मंडी जाते हैं, बकरा लेकर आते हैं, सुबह उसको कुर्बान कर देते हैं, इसमें महबूबियत कहाँ रही? ये तो आप ख़रीद कर ले आए। महबूबियत का तरीक़ाकार ये होता है कि आप उसको पालें, उसको पोसें, उसको परवान चढ़ाएं। और फिर जिस दिन कुर्बानी का वक्त आए तो आपकी आंखों में आंसू, जो मैं देखता हूँ सिर्फ बच्चों की आंखों में होते हैं। हालांकि एक दिन पहले लेकर आते लेकिन उसके बावजूद बच्चे रो रहे होते हैं। बड़े तो तब भी नहीं रोते, वो तो गले पे छुरी फेरने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी के फलसफे को समझने की कोशिश कीजिए। फलसफा ये नहीं है कि आप सड़कों पर आलाइशें फेंक दें। फलसफा ये भी नहीं है कि आप गंदगी कर दें। फलसफा ये भी नहीं है कि आप अग़यार को पूछे नहीं, आप मिस्कीनों को पूछे नहीं, और ख़ास तौर पर यतामा को पूछे नहीं, और अपने ही घर में फ्रीज़र में गोश्त भर के रख लें। एहसास ये भी नहीं है कि आपकी इस कुर्बानी से किसी दुखी को, किसी गरीब को फ़ायदा ना हो जिसके घर में हफ्ते में एक मरतबा भी गोश्त नहीं पकता। आपके यहाँ तो सारा दिन जो लोग कुर्बानी करते हैं, 8 दिन उनके यहाँ गोश्त पकता है किसी न किसी सूरत में, चाहे वो मुर्गे का गोश्त हो। या अब देखें ना, मैं मुर्गी का गोश्त नहीं कहता क्योंकि यहाँ भी औरत ही मजलूम है, काटेंगे भी तो मुर्गी काटेंगे, भाई मुर्गा काट। तो आपके गोश्त पकता है, उसके अलावा आप दूसरे के घरों में नहीं पकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है, पहली बात तो ये कि आप भी एक रात कबल हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं ख़ास तौर पर, चूँकि हमारी मेहमान एक ऐसी मेहमान है जिनको मैं बुलाऊँगा, उनका तारुफ में कराऊँगा, लेकिन एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ। जब हालात उमूमी ना हो, खसूसी हो, तो ऐसे मौके पर खसूसी हालात के तहत खसूसी एहतमाम किया जाता है। इस वक्त हम कोरोना से गुजर रहे हैं, इट्स नॉट कोरोना, इट्स कोरोना। हम कोरोना से गुजर रहे हैं, और कोरोना से गुजरते हुए हम ये देखना पड़ेगा हमें कि क्या इन आलाइशों से, इन इस जो हम मोहल्ले के बाहर गलियों में, सड़कों पर, पार्कों में फेंक कर चले जाते चीज़ें, सिरी पाए पड़े होते हैं, कहीं कुछ पड़ा होता है, इससे क्या गंदगी नहीं फैलेगी? और इस बार जो फैलने वाली गंदगी होगी उसका नाम होगा कोरोना। पहले वाली गंदगी तो कुछ और होती थी, चले बीमारी ख़त्म हो जाए, ये है कोरोना। तो थोड़ा बहुत एहतियात कीजिएगा। सुबह ईद है और ईद उल अज़हा के इस मौके पर, पहले तो मैं आपको बताऊँ इसको ईद उल अज़हा क्यों कहा जाता है। ये एक्चुअली ये ईद उल अज़हा किस दिन होती है? ये इसको कहते हैं यौमुन नहर। असल में हज़रत इब्राहिम ने पहले दिन एक ख्वाब देखा, वो ख्वाब था कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। उसको उनको शक पैदा हुआ कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने उनके शक को भी बड़ा महबूब कर लिया और उस यौमुन तरविया को, यानी शक के दिन को हाजी एहराम मानते हैं। यौमुन तरविया को, यानी शक का जो दिन है, उसमें हाजी एहराम मानते हैं। दूसरी मरतबा फिर उन्होंने ख्वाब देखा, जब दोबारा ख्वाब देखा तो उनको मार्फत हासिल हो गई, नहीं ये बात सही है, ये अब झूठ नहीं है। तो मार्फत की वजह से इसको कहते हैं यौम अरफा, अरफात का दिन, हाजी उस दिन अरफात के मैदान में जमा होते हैं। और जिस दिन आपने कुर्बान करने के लिए हजरत इस्माइल को ले जाना चाहा और आप लेकर गए मीना के मैदान में, उसको कहते हैं यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। तो यही यौमुन नहर यहाँ ईद उल अज़हा होती है। तो मैं बस आपसे इतना अर्ज करूँगा, कुर्बानी के फ़लसफे को समझने की कोशिश कीजिए। और कुर्बानी का फ़लसफा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इस बार जिन्होंने नहीं किया, जो अभी भी जो कर सकते हैं इस रात तक, वो पैसे ईदी को दे दें, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दे दें, छीपा साहब को दे दें, शौकत खानम को दे दें, जिस इदारे को बेहतर समझते थे, अंसार बंदी साहब को दे दें, जिसको दे दें, उनसे कहीं हमारे पैसे ये गरीबों में गोश्त तकसीम करवा दीजिएगा, काट कर हवाई तरफ से कुर्बानी। कुछ ऐसे अमल कीजिए कि जो माशरे में मेक अ डिफरेंस की पोजिशन लेकर आए, कुछ तब्दील लेकर आए। बहरहाल ये मेरे अपनी तजवीज़ थी, ज़रूरी नहीं कि आप इस पर अमल करें। मैं बहरहाल कुछ इसी तरह कर रहा हूँ क्योंकि
मैं अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानी को इस तरह पेश करना चाहता हूँ कि मैं अपने रब को खुश भी करूँ और मेरे रब की जो मखलूक है कि खुदा के बंदे तो है हज़ारों, बंदों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो और ये भी है कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। तो हमें अल्लाह ताला की बंदगी करनी है, इबादत करनी है, और अल्लाह ताला की इबादत में हम यही करते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, दूसरी मदद तलब करते हैं और तेरी अहकामात पर अमल करते हैं और तेरी इताअत करते हैं। और इताअत का मतलब ये है कि हम कुर्बानी इस तरह से करें। आज हमारी जो मेहमान यहाँ पर भी आने वाली हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, आज हमारे जीवे पाकिस्तान की सीट पर एक ऐसी खास मेहमान है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, हर तरह का प्यार करता हूँ तुझसे, और बेमिसाल फनकार है। 90 की दिहाई में, मतलब समझ लें कि 90 की दिहाई के इख्तितामी वर्षों में टेलीविजन स्क्रीन पर ये नमूदार हो और फिर अपनी मुनफरिद फनकाराना सलाहियतों से इन खातून ने एक ऐसी शोहरत हासिल की, शोहरत भी नहीं बल्कि गैर मामूली शोहरत हासिल कि जिसने यूं समझे कि इनके बगैर कोई भी ड्रामा सजता नहीं था। वो कहते ड्रामा बनता नहीं था, मैं कहता हूँ सजता नहीं था, जब तक ये होती नहीं तो उसमें ड्रामा सजता नहीं था। और आज भी इनकी शोहरत जो है वो किसी भी ड्रामे के मरकजी किरदार, या तो वो हीरोइन हो या मतलब ये कोई ऐसा किरदार हो कि जो उस पर पूरा ड्रामा डिपेंड करता हो, उससे कम नहीं है इनकी आज भी हैसियत। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह इनका टैलेंट है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत सलाहियतों से मालामाल किया। मेरे एक प्यार की वजह ये भी है, टैलेंट है, बेपना टैलेंट। और इन्होंने मुतअद्दिद बार अपनी सलाहियतों से साबित किया है कि जो बात इनमें है वो किसी और में है नहीं। तालियां बजाओ इस बात पर यार। पीटीवी लाहौर सेंटर के तवील दौरानिया का एक ड्रामा था, मुझे इसी तरह से याद है कि उसमें सारा और अम्मारा, सारा और अम्मारा, उसमें वहां से इनका फनी करियर का आगाज हुआ। और उसके बाद फिर शोहरत तो इन्हें बानो खुशिया साहिबा अल्लाह ताला ने खरीक रहमत करे, उनके लिखे हुए ड्रामे कल्लू भाई से हुई। अच्छा, बहुत बड़ा मशहूर ड्रामा था कल्लू भाई। और फिर उसके बाद बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, और उसमें फैसल कुरैशी बूटा के साथ, फैसल कुरैशी बहुत पुराना आदमी है, बहुत ही पुराना आदमी है। और उसके बाद उसमें इनका मुझे किरदार जो इन्होंने बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह में बूटा के साथ किया था, वो जुलेखा का किरदार, जुलेखा किरदार जो अदा किया और फिर से यादगार बना दिया। फिर ड्रामा सीरियल कल मुही में ये फन की बुलंदियों में नजर आई। अच्छा। माँ, और फिर उसके बाद ड्रामा सीरियल माँ में सरकश लड़की के किरदार में इन्होंने अपनी धाक बिठाई। बादलों पर बसेरा में घरेलू तशद्दुद से मुतासरा खातून के किरदार से भरपूर इंसाफ किया था, और धुंध में, धुंध में डिप्रेशन ज़दा औरत का किरदार इन्होंने बखूबी अदा किया था। अब ये है कुर्बान जाइए, लेकिन इन्होंने एक ड्रामा किया तुझ पे कुर्बान, तुझ पे कुर्बान, इसमें इन्होंने एक मजाहिया किरदार अदा, मजाहिया किरदार जो कि आप सोच नहीं सकते थे करेंगी उस वक्त तक, इन्होंने वो भी कर दिखाया और वो इस कदर खूबसूरती से किया कि लोग इन्हें वर्सेटाइल फनकारा कहते हैं। मालिकन और मलिका आलिया में भी शानदार किरदार इन्होंने अदा किए। इनके ड्रामों की फहरिस्त खासी तवील है, तो जरा आप तैयार हो जाए। अच्छा, इनके इनके ड्रामों में कलमुही, तो जहां भी कलमुही होगी वहां आशियाना तो होगा, और जहां आशियाना होगा वहां ये सोचा जाएगा कि बूटा कब आएगा फ्रॉम टोमा टेक सिंह। और फिर ये खुद एक, चूंकि जहां बूटा फ्रॉम टोमा टेक सिंह आएगा ये खुद एक अच्छी सी हसीन सी मूरत है, तो ये मूरत तो कहीं ना कहीं नजर आएगी। और फिर मूरत को नींद नहीं आती। अच्छा, क्या नहीं आती? नींद नहीं आती। किसको? मूरत को। मूरत को क्या नहीं आती? नींद नहीं आती। किसको? मूरत को। सही है, मूरत। अच्छा, उसके बाद नींद। नींद इसलिए नहीं आती कि मूरत की अपनी एक रियासत है, और रियासत बादलों पर बसेरा करती है, और बादलों पर बसेरा जो जो भी चीज करती है उसे सिर्फ खाली आंखें देखती है। और
फिर ये खाली आंखें चाहती है रिहाई, और फिर उसके बाद जैसी रिहाई मिलती है तो बुरी औरत आ जाती है, और फिर उसके बाद बुरी औरत जब सामने आती है तो फिर बुरी औरत को देखकर भी दिल चाहता है तुझ पे कुर्बान। और जाहिर है कि जो जब बुरी औरत आती है तुझ पे कुर्बान होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बुरी औरत को तखलीक करने वाली उस थानी सी भी मौजूद होती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो बिब्बर खाला की बेटियाँ आ जाती हैं ताकि पूरा माहौल ख़राब कर दें। और फिर उसके बाद हमारे शहर में बारिश आती है, वैसे तो जब बारिश आती है जब पानी जब ज़्यादा होता है, जब बारिश ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा आता है, जब बारिश कम होता है तो पानी ज़्यादा कम आता है, पता नहीं मुझको क्या होता है पर होता है। तो उसके बाद हमारे यहाँ जो बारिश बरसती है वो बिब्बर खाला की बेटियों को देखकर बारिश के आंसू होते हैं, बारिश का। और फिर उसके बाद फिर किसी न किसी नेक परवीन को आना पड़ता है, और नेक परवीन को आना पड़ता है। उसके बाद फिर नेक परवीन को सही करने के लिए मलके आलिया तशरीफ लाती है। मलके आलिया दर हकीकत मालकिन होती, और इस तरह के कई ड्रामे इन्होंने किए जो काबिल जिक्र है। 2008 में फिल्म रामचंद पाकिस्तानी, वो फिल्म रामचंद पाकिस्तानी, उसमें एक हिंदू लड़की कमला का किरदार अदा करके भी इन्होंने खूब दाद समेटी थी। 2009 में ये देखते जाए क्या क्या काम कर गई है। 2009 में इनको खुद भी याद नहीं होगा जो मैं बच्चों बता रहा हूँ। हाँ, 2009 में पश्तो फिल्म याराना में अदाकारी के बाद मेजबानी के शोबे में अपनी सलाहियतें मनवाई, और मैं भी उस शो में गया था। मुझे इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं इनके शो में गया था। ये टर्की में हुआ, जहाज पे करती थी, पानी के जहाज में। और अब समझ गए होंगे लोग, तो समझ गए होंगे एक ही खातून ने किया है टर्की में पानी के जहाज में शो। और वो सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, ये एक मॉर्निंग शो था, बड़ा कमाल का मॉर्निंग शो था। मैं तो गया हूँ भाई, मैंने इतना अच्छा मॉर्निंग शो आज तक नहीं देखा। गेम शो करोड़ों में खेल, जिसका आइडिया मैं देखे आया था बोल में। अब उसके बाद वो खेल वो गेम होता रहा, मगर उसको जिस अंदाज में जनाब हमारी नाम नहीं लूंगा, नाम ले लूंगा तो मजा नहीं आएगा। एक दो लाइनें और, करोड़ों में खेल में जिस अंदाज में ये मेजबानी कर रही है भाई, कमाल मेजबानी कर रही है। वास्ती फैमिली से इनका ताल्लुक है, बहुत प्यारी खातून का एक नाम मैंने, उनकी खाला थी। मेरी उनसे दो मुलाकातें, तीन मुलाकातें हुई। मैंने ऐसी ग्रेसफुल औरत, इतनी शानदार औरत, और जिस मोहब्बत से मिलने वाली, और मैंने नहीं देखी आज तक। मोहतरमा ताहिरा वास्ती साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें गरीख रहमत करे, बहुत प्यारी खातून, बहुत ही प्यारी खातून थी। और फिर उनके जो खावन थे रिजवान वास्ती साहब, हमारी अम्मी को उन्होंने अपनी बहन बनाया हुआ था, और उनके खास अंदाज से बात करने का, यार आमिर तुम चाय बना के क्यों लाते हो यार, तुम घर में कोई काम करने के लिए ना, काम भी नहीं। मैंने कहा जी अंकल क्या करें, हमारी अम्मी कहती है कि हमारे घर में जाहिर की बहनें हमारी कोई नहीं थी, तो हमारी अम्मी ने कहा थे लड़के भी तो काम करना कुछ सीखे, तो हमारी अम्मी कहती चाय बना के ना। महमूद अफैन ये मुनासिब नहीं है कि अगर आप आमिर बेचारा बच्चा चाय बना, छोटा बच्चा है। तो रिजवान वास्ती साहब अल्लाह ताला आपको गरीख रहमत करें, आप बहुत याद आते हैं। और ये भी अपने वक्त के मकबूल फनकार थे, मेरी कज़न लैला वास्ती साहिबा, और वो भी ड्रामा इंडस्ट्री के एक जाने पहचाने। हमें आजकल इतना नहीं कर रही काम, भरपूर तालियों की गूंज में सकवा लीजिए हमारे वाली तालियाँ, लेकिन इनका इनके इनका काफिया बनाता हूँ मैं, काफिया बनाना बड़ा मुश्किल है। जिनकी हर बात से नजर आती है अमन आशिती और रास्ती, तशरीफ लाती है मारिया वास्ते। हमारे छोटे से मेडगास्कर है, बिल्कुल बिल्कुल। और आवाम को बुला के आपने कुर्बानी पूरी कर दी है, जरूरी है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी लग रही हूँ आपको? ठीक लग रही हूँ मुझे, आप हमेशा से अच्छी लगती है, आपको बताएं। थैंक यू। और आज मेरी आरजू पूरी हुई कि आप तशरीफ लाइए। मैं लोग कह रहा था कि मारिया को बुला रहे हैं, मारिया को बुला रहे हैं, आखिर मारिया आई गई। आई गई। अच्छा ये बताइए कि
माशाल्लाह भी हमने आपके इतना चीजें याद कराई एक्सेप्ट फॉर दैट पश्तो सिंह बाकी सब आपने मुझे याद कराया नो आई डिडंट डू दैट अच्छा पश्तो वो नहीं था बट ऑल द अदर बल्कि इतने सारे आपने ड्रामों के नाम लिए मुझे याद आ गए मुझे वाकई याद नहीं थे यू नो बिकॉज़ वो इतने सारे डिफरेंट बहुत सारे हैं लाइक I don't know more than 200-300 to drama isse zyada hi honge Tanzania mein paida hui thi aap ji aap Dar es Salaam paida hui thi aur aapka jitna aapka bachpan hai wo beaches aur safaris pe guzra ji ji bilkul uske baad beech mein phans gaye beech mein kahin na kahin phans gaye beech mein kahin na kahin phans gaye to safari to aapko pata hai wo animal mein hoti hai to wo bhi jari hai फिर 8 या 7 वर्ष की थी आपकी फैमिली पाकिस्तान जी अभी केम टू पाकिस्तान एंड देन तब से अब तक हम यहीं हैं लेकिन बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक जो है वो लाहौर से जी आई एम फ्रॉम लाहौर से और उसके बाद फिर आप यहाँ पर कराची में आपने तालीम हासिल की नहीं आई स्टार्टेड वर्किंग एज यू सेड यू नो 90s में तो उस वक्त लाहौर यूज्ड टू बी आप जानते होंगे गढ़ था फिल्म का स्टेज टीवी रेडियो एवरीथिंग वाज हैपनिंग देयर सब वहीं आते थे इस्लामाबाद से पेशावर से एक्टर्स एंड कराची से भी So, बहुत hustle bustle and a lot of work was being done there. उसके बाद आहिस्ता when the private channels came, तो फिर कराची shift हुआ because of the channels. और फिर इतना आना जाना काम की वजह से होता था that I was literally living out of a suitcase. तो बंदा कहता है कि बस कर दो भाई ये सफर है उर्दू का सफर है अंग्रेजी का पता नहीं चल रहा So at that time I shifted here. और बस वो दिन है और आज it's been more than 13 years. 13 years. मतलब समझने के अब तो मैं कराची अब तो कराची क्या हो गई हाँ बिल्कुल सही वालिदैन और भाई लाहौर में और बहन इंग्लैंड में आपकी मेरी बहन इंग्लैंड अभी आपकी दूसरी भांजी की विलादत हुई है जी बिल्कुल और जब हुई थी तो आप लंदन में थी जी मैं आई वाज इन लंदन तो नए साल और भांजी की विलादत का जश्न आपने एक साथ मनाया जी बिल्कुल बिल्कुल आई वेंट फॉर मैं उसके लिए बहन के लिए बच्ची के लिए गई थी तो फिर न्यू ईयर्स का ही टाइम था तो फिर एक बात मैं आपको ये बारे में बताऊँ कि ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें डॉक्टर्स बहुत हैं और एक्टर्स बहुत हैं ये दोनों मतलब जहते जो है वो इस फैमिली के अंदर बहुत इनके वालदेन तो इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे मगर वो जबरदस्ती और उनकी राय करते हैं जिस्म का इलाज और जो आपका फन है और जो आर्ट है वो रूह का इलाज है तो इलाज तो हो रहा है ना लेकिन मैं बता रहा था आपके वालदेन जो है उन्होंने कभी भी अपनी ख्वाहिश बच्चों पर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं इसी इनके वालिदैन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो जब अपनी बच्ची को या बेटा जो भी है उसको ये कहे कि आप खुद बेटा तलाश करो अपने लिए आप क्या करना चाहते हो तो जब मारिया ने डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की तो खुद ही पीछे हट गया और फिर चूँकि खालिस्तान बड़ी डोमिनेटिंग फितरत की मालिक है बहुत बहुत खतरनाक तो हाँ तो मेडिकल शोभा इनके लिए मौजूद नहीं था हाँ उस तरह के औजार हाथ में आ जाते तो ज्यादा डेंजरस होता वही बता रहा हूँ मैं आपको बता नहीं क्या क्या हो रहा होता इस कैपुला के साथ हमारे साथ क्या क्या होता है क्या होता है तो फिर ये और ये 9 to 5 की जिंदगी ये गुजारने की ख्याल नहीं है काहे की 9 to 5 जिंदगी मतलब एक रिवायत चिकन है मैं भी कह रहा था इसे कि रिवायत चिकन है हाँ ये अल्लामा इकबाल के अशआर याद आए मुझे इस वक्त जमाने के अंदाज बदले गए नया राग है साज बदले गए हुआ इस तरह फाश राजे फरंग के हैरत में शीशा बाज फरंग पुरानी सियासत गरी ख्वार है जमीन मीर सुल्तान से बेजार है गया दौर सरमायादारी गया तमाशा दिखाकर मदारी गया तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुतान अजम के पुजारी तमाम हकीकत खुराफात में खो गई ये उम्मत रिवायात में खो गई लुभाता है दिल को कलाम खतीब मगर लज्जत शौक से बेनसीब बया उसका मंतिक से सुलझा हुआ लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ वो सूफी के था खिदमत हक में मर्द मोहब्बत में यकता हमियत में फर्द अजम के ख्यालात में खो गया ये सालिक मकामात में खो गया तो ये है रिवायत शिकन रिवायत शिकन अच्छा नौ उम्री से आपने खाला ताहिरा वास्ती साहिबा को और खालू जो आपके थे उनको शोबिज में देखा और उनसे मुतासर नहीं आप नहीं मेरा कोई इरादा नहीं था इस तरफ आने का बट खाला यूज़ टू कम एंड स्टे लाहौर में हमारी तरफ रहती थी तो उनके साथ अम्मी भी कभी चली जाती थी मैं भी कभी चली जाती थी यू नो टीवी स्टेशन तो आई मीन जान पहचान थी और ऐसे ही एक देयर वाज एन ऑफर दैट केम और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यू नो आई हैड बीन टू पीटीवी स्टे मेरी अम्मी ने भी कुछ प्लेस किए थे आपकी वालिदा का नाम था जो उनके साथ जाती थी जी जा तो आई वाज फेमिलियर लोगों को भी सबको जानते थे एंड एवरीथिंग तो वो एक ऑफर आई बख्तियार साहब की तो मैंने कहा जाओ ट्राई करके देख लो मैंने कहा ओके एंड बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना सारा दैट वाज माय फर्स्ट प्ले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या है बट आई डिड दैट एंड देन देयर वाज
नो लुकिंग बैक, वो ही टाइम था ना जब 8 बजे एक ही प्ले होता था पूरे पाकिस्तान में, तो वेदर अब तो आपको अपने आप को यू नो इंस्टा पे जाके इधर जाके उधर जाके यू नो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, बट दोज वर द टाइम्स. फिर उसके बाद फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक. जिस वक्त आप हमारे सारा हमारा कर रही थी उस वक्त वालदैन आपके लिए पाकिस्तान में रिश्ता ढूंढ रहे थे. क्या रिश्ता ढूंढ रहे थे? हाँ भाई, रिश्ते तो पेरेंट्स मेरे ख्याल में हर व्यक्ति ढूंढ रहे थे, नॉट इन अ पर्टिकुलर वे कि रिश्ता ढूंढ रहे थे, बट वो ख्वाहिश तो तमाम. आपके पास किरदार रेशम ने किया था दूसरा? जी जी. पहला चेक कितने का मिला? आई डोंट रिमेंबर, बहुत ही कुछ छोटी अमाउंट थी, कोई पता नहीं, आई डोंट नो 1,000, 1,200, 2,000, आई डोंट नो. लेकिन ये बात तय, जितने का भी था इनकी वालदा ने बैंक में अकाउंट खुलवा कर इनके नाम से चेक जमा कराया कि बेटी तुम्हारी पहली कमाई है, ये तुम ये ले. वारन अभी और बहुत सारी बातें से करनी है, जरा चलते हैं कसौटी की तरफ. आइए जरा पहले इम्तिहान शुरू चूज कर ले, उसके बाद फिर क्या खाना हादसा मकाम वाकया शख्सियत. अरे ये तो मुझे कोई न्यूज चैनल लग रहा है. क्यों? आई मीन हादसा मकाम वाकया शख्सियत, ब्रेकिंग न्यूज लग रहा है. तो नहीं है खाने पे भी कभी कभी जहरीला खाना आ गया. जहरीला खाना खाकर स्कूल के 12 बच्चे हलाक हो गए. जी जी बताइए क्या करेंगे? शख्सियत है पक्की बात. ठीक है भाई, शख्सियत इन्होंने आप ये कहा कि हम शख्सियत से पूछे, तो इसके लिए हम एक वक्फा लेते हैं. वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ मारिया वास्ती है, और शख्सियत कौन सी है ये पूछेंगे इनसे. और प्रोग्राम है जीवे पाकिस्तान कुर्बान जाइए. पाकिस्तान कुर्बान जाइए एहतियात के साथ. मेरे फिर खुश आमदेद. कल ईद उल अज़हा है, और ईद उल अज़हा से एक रात कबल हमारे शो आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान, जिसमें मारिया वास्ती साहब तशरीफ़ फरमाए. शख्सियत इन्होंने कहा है कि इनसे पूछी जाए, तो शख्सियत हम आपसे पूछने जा रहे हैं. 10 इशारे आपके पास हैं, और आप मुझसे पूछ सकती हैं कि क्या ये है, क्या यूँ हो, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है. नाम भी बताइएगा, बस पूछती रहिएगा. जब आप बिल्कुल कंफर्म कर जाएं जहन में अपने कि हाँ ये हो सकता है, तो आप नाम बता दीजिए. ये भी हो सकता है कि मैं आपकी जहानत को देखते हुए, क्योंकि है आप में, मैं आपको ग्रेस मार्क दे दूं और कहूं भाई ये इशारा तो आपका काउंट ही नहीं करता मैं. चलिए आगे इशारे मुझे करेंगे कैसे? इशारे तो मैंने आपको सीटी वीटी बजाएंगे, आंख मारेंगे, क्या करेंगे? मैंने आपको इशारे करने की बहुत कोशिश की, मैं कर दी. 10 इशारे कर रहे हैं और सारे मुख्तलिफ होने चाहिए. सारे मुख्तलिफ इशारे मैंने बड़ी कोशिश की. नहीं नहीं, उसका फायदा क्या होगा अभी अगर सारे मुख्तलिफ करो? आप दोनों क्या भाग चलेंगे? खुदा की कसम मैं जॉगर्स अपने स्नीकर्स लेकर आई हूं. हम दोनों भाग जाएंगे. बिल्कुल भाग. कहां भागे? क्यूबा चले? हां चले. हैं हां, जैसे सलमान खान कैसीनो को ले गया था वहां. हां हां, आप ये पकड़ लेंगे सारे, ये जो सारे जानवर हैं. हाँ. टाइगर भी रास्ते से, शेर भी ले लेंगे. हाँ. हैं, और बैट से हाथ से भी चलेंगे. वैसे अगर हम दोनों एक साथ रहे क्यूबा में या इधर उधर, हम लोग बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरेगी. क्या कह रहा है? मैं इसके बारे में सोच रही हूं. बड़ा मैं कह रहा हूं, आप इसको सोचने शुरू कर दें. बिल्कुल मैं सोच, मैं तो बहुत अरसे से सोच रहा हूं. आप देखिए ना, आप हम सोच रहे हैं. नहीं, मैं आपने मुझे कहा है, मैंने सोचा. मैंने तो रामा इकबाल के बाद से सोचना शुरू कर दिया. हां, ये रामा इकबाल के बाद तो फिर किसी ने नहीं सोचा ना. उन्होंने कहा जो सोचा तो क्या हुआ, तो फिर लोगों ने सोचना बंद. देखिए मैंने सोचना शुरू किया, आपने सोचा. मैं आपको इसी तरह सोचता हूं. मैंने इसके अलावा आपको यूं सोचा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे. मैं चाहता हूं यहां से दाखिल हो. मैं की कीता शख्सियत यह है कि ये खातून है, ये जिंदा है. जिंदा है ये दोनों, मुझे ऐसा लगा कि इस बात पे आपको खास खुशी नहीं हुई है. ये खातून है, ये जिंदा है. मैं इनको देखकर मुझे हैरानी होती है, जिंदा कैसे? अच्छा. हाँ, बड़ा अजीब सा है लेकिन फिर भी जिंदा है. मतलब खातून है, जब भी मैं इनको देखता हूँ वल्लाह खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, जब आखिर में आप बताएंगी तो आप खुद हैरान रह जाएंगी. आप भी कहेंगी तो सही कहते हो. अच्छा, कि ये क्यों जिंदा है? ये क्यों जिंदा है? उनको जिंदा नहीं होना चाहिए. नहीं नहीं, मतलब ये कैसे इस तरह जिंदा है? इस तरह कैसे जिंदा है? इस तरह कैसे जिंदा है? जैसे हम सब वैसे ही जिंदा हैं. नहीं, हम सब, लेकिन उनको वो जिंदा नहीं होनी चाहिए थी. नहीं होनी चाहिए. जो वो कर रही है उसके मुताबिक जिंदा नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. उनको मर जाना चाहिए किसी पे. नहीं, मर जाना नहीं चाहिए था. मतलब ये अल्लाह मुर्दो जिंदगी दे, मर तो बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन जिन हालात में जिन जो खा पी के वो जिंदा है, तो नहीं नहीं नहीं, जिंदा नहीं रह सकता आदमी. अच्छा. हाँ,
खा पी के जिंदा नहीं रह सकता। जो वो खाती पीती है। अच्छा खाती पीती है। आपको उनके खाने पीने के बड़े बारे में बड़ा पता है, क्या क्या करीबी है आपके कोई? बहुत करीबी। कितनी करीबी? अनकरीब टाइप? नहीं अनकरीब नहीं है। अच्छा अनकरीब? अनकरीब तो पता है अब आप। अच्छा मैं तो बिल्कुल, अब तो क्यूबा जा रहे, जहाज जाए ना जाए काफले में चलेंगे, ऊँट तो है हमारे पास चलेंगे ना। लेकिन आपने तो सारा मामला ही खराब कर दिया, आपने एकदम कह दिया साथ चलते हैं, हमने कहा चलते हैं। हाँ तो क्या है, तो चलते हैं ना, बस चलते हैं बस। बहुत गुजार ली पाकिस्तान में जिंदगी, बहुत हो गया, मैं भी देख लिया सब हो गया, तो फिर हमें साथ चले। आज आपको नींद इतनी क्यों आ रही है? तो मैं तो समझी थी आप चाको चौबंद होंगे मुझे देख के, तो लेकिन आपको देख कर तो इंसान मदोश हो जाता है ना, दिन में तारे नजर आ जाते हैं। नहीं मदोश हो जाता है, सितारा भी नजर आ जाता है, अजीब हो जाता है। अच्छा वो बीच में आपकी शख्सियत। अच्छा तो खातून है और वो क्यों जिंदा है, कैसे जिंदा है? मगर मगर बड़ी बड़ी जबरदस्त खातून है। अच्छा उनका ताल्लुक, उनके बारे में सोचता रहता था, आज ये सोचता था। देखिए कुछ जिंदगी में लोग इसके बारे में बहुत सोचा है, एक तो आप है। अच्छा मेरे बारे में आपने क्या सोचा फिर? मैंने तो आपके बारे में सीधे सीधे सोचा था शुरू में। क्या क्या सोचा? एक ही बात सीधी सोच जाती है, चले जाते कहीं पर, सीधी ये बात है, ये सीधी बात। शादी में सीधा क्या है? शादी में सीधा सिर्फ शादी है, उसके बाद शाह सीधा है, छोटी सी है, छोटी है, उसके बाद शादी शुदा, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके वादों से वादे वफाने के लिए मैंने आपसे खुदा की कसम आपसे वादा किया ही नहीं, मेरा मुझसे वादा ही नहीं किया। अगर आपसे मैं वादा वादा भी नहीं किया, अगर आपसे वादा कर लेता तो आप इस तरह से उसको वफा करवाती कि मैं भाग नहीं सकता था। अच्छा इसीलिए नहीं किया, इसीलिए नहीं किया। आप वहां पे वादा करते हैं जहां से भाग सके। अच्छा उनका जो है ताल्लुक क्या किसी ऐसी उनका ताल्लुक अदाकारी से है, सियासत से है? अदाकारी से भी है, क्योंकि सियासत में भी अदाकारी होती सियासत में, हाँ सियासत में ही तो अदाकारी होती है, तो उनकी अदाकारी है, तो अदाकारी होती उनकी अदाकारी है, अदाकारी लेकिन सियासत अदाकारी आप पे चली, अदाकारी है सियासत में। अच्छा 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 अदाकारी, अदाकारी है उनकी, अदाकारी है। तो उनकी अदा आपके लिए कारी हुई? मैंने उनकी अदा पर कई मरतबा सोचा कि मुझ पर कारी हो जाए, और तारी हुई नहीं, तारी तो हुई, कारी नहीं हुई, कारी नहीं हुई, कारी नहीं हुई, क्योंकि मैं फिर कारा हो जाता तो कारी नहीं हुई, फिर कारा कारी कोरा कारी कारा कारी अगला आते थे मार देते थे, तो मैंने कहा कारी आरी चल जाती, कारा कारी तो आरी नहीं चल सकी, आरी नहीं चल सकी। अच्छा 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 उनका अदाकारी से ताल्लुक है। अच्छा ओके अदाकारी से ताल्लुक है, तो कौन सा पर्दा करना पसंद करती हैं वो, फिल्म का या टीवी का? पर्दा, वो पर्दा दोनों, दो, अब तो दोनों पर्दे इस्तेमाल करती हैं, दोनों पर्दे इस्तेमाल, बड़ी अच्छी बात है। मास्क वगैरह भी अब तो पहनती होंगी? मास्क पहनती हैं के दोहरी पर्सनालिटी, दोहरे चेहरे, जो दोहरे, हाँ और क्या, दोहरे लोग है ना, दोहरे जवाब, दोहरे इंसान, दोहरी शख्सियत, ज़ूम वाली गुफ्तगू है ना, हर चेहरे पे चेहरा, चेहरा चेहरा देखा है, हर चेहरे पे चेहरा है। ये तो मेरे से ज्यादा आपके को जानने वाली शख्सियत है, लेकिन कमाल शख्सियत है भाई। अच्छा कमाल, ओहो की क्या कमाल, ऐसी है कि अगर आप और वो दोनों मेरी जिंदगी में होती तो क्या जिंदगी होती, वाह वाह दोनों डबल ट्रबल। आपकी कोई बहन थोड़ी है कि जो डबल ट्रबल, मतलब कि अलग अलग नहीं, मेरा मतलब है हमसे भी कोई पूछ ले, ये तो आपने अपना हमें पता है, हमसे मोहब्बत करती है। अच्छा पता है मुझे, यार नहीं किया आपने कभी, नहीं करती है आपको लगता है कि मुझे 100% पता है आप करती है? आपको कैसे पता है? आपकी बातों से पता चलता है, मेरी बातों से। आप मुझे मेरी फिक्र बहुत करती हैं। मैं आपकी फिक्र करती हूं, मैं आपकी फिक्र, मुझे हाँ वाकई आपकी बहुत फिक्र रहती है, सोचती हूँ मैं कि आपको आपसे कैसे बचाऊं। अच्छा जवाब है मुझको, मुझसे कैसे बचाऊं। वाह वैसे भी इंसान को अपने आप को खुद के हवाले नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो वो हमारे ही जमाने की हैं या हमारे आपके आपके जमाने से मुरादी के आप आपके नहीं बाद आई हो, लेकिन आप लेकिन हमारे जैसे सीनियर्स होते हैं उनमें तो नहीं है। आप एक तो आप सीनियर लगती नहीं, छोड़ दें, मैं मुझे आप अपनी तारीफ थोड़ी सी कर दें,
बात ये आप सीनियर होकर भी सीनियर नहीं लगते, आपने अपने आपको मेंटेन माशाल्लाह ऐसे किया है, तो अगर आप दोनों को भी सामने बिठा दिया जाए तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि मारिया का दौर कौन सा है और उनका दौर कौन सा है। तो इसी तो दौरे पढ़ते रहे, दौरे आपको देखकर लोग पढ़ते रहे, आप पढ़ते आज भी पढ़ते क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो ओके, सो वो उनकी वजह से काफी लोगों को दौरे पड़े। जी जी पड़े। ओके, इंडिया में भी उन्होंने काम किया? इंडिया में काम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में बहुत काम किया। आप उनके काम आए? नहीं, मैं उनके काम नहीं आया, मैंने बड़ी कोशिश की, आप दोनों के काम आने के लिए आ नहीं सके। ये मैं, मुझे साथ आप क्यों? मैंने एक जिंदगी में फिल्म कर ली तो आपने मुझे, देखिए मैं अपनी अपनी रीस कह रहा हूँ ना, मैंने उन दोनों को ही देखा ना, आप दोनों को देखा अपने लिए। अच्छा, दूसरों के लिए तो सभी जीते, अपने लिए जीने की बात है भाई। सही बात है, मैं चेंज कर दिया ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों भाई दूसरों के लिए सभी जीते हैं, अपने लिए जीना भी कोई बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आजकल आप जी रहे हैं अपने लिए? अभी बताया था मैंने, ठीक है, कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक काफी मुश्किल काम है। अच्छा, सो ओके, सो शी इज फ्रॉम शोबिज़, शी इज फ्रॉम फिल्म एंड टेलीविजन बोथ, और उनके खाने पीने पे आपको एतराज है? वो तो जमाने में छोटा था, रिजवान अंकल जब आते थे, मतलब मैं कब का कह चुका होता, क्या मतलब जो भी कह रहा था मुझे, आप तो कह देते होते हैं, तो कैसे होता, आप छोटा था, मुझे पता थोड़ी था, उन्होंने कभी बताया भी नहीं था। अच्छा अच्छा, उन्होंने मम्मी को बताया होगा, हमें तो बताया नहीं, नहीं बताया नहीं। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला? मुझे तो बाद में पता चला, मैंने कहा जब रिजवान अंकल के इंतकाल हो गया, मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। अच्छा, तो ओके, चेहरे पे शरारत है? नहीं, हाँ हाँ, बहुत शरारत है, और कुछ सोचा जा रहा है कि इस आदमी के साथ मैंने अभी और क्या क्या करना है। नहीं नहीं, आपके साथ तो खुद ही हो जाता है जो कुछ होता है, वो जाता है, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे आजकल हमारी ऑपोजिशन का जा रहा है कि उनको कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी कुछ हो जा रहा है। खैर, असल में न्यूज चैनल्स पे आजकल ज्यादा बेहतर ड्रामा और फिल्म होती है, तो मेरा जरा ध्यान जरा इधर, न्यूज चैनल में बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे आते हैं, 8 बजे जो ड्रामे उनके लगते हैं, कमाल ड्रामे होते हैं, और आप बजट चेक करें उन ड्रामों का। ओहो ओहो, तो अच्छा जी, ओके, सो ऑलराइट, शी इज मैरिड? नहीं, मैरिड नहीं है, मैरिड नहीं है, मैरिड नहीं है, शादी उनकी होने वाली थी, हो नहीं सकी। अच्छा, वो बच गई कि वो बंदा बच गया? वो बच गई, वो बच गई, खातून बची, वो बची। कौन? और आज मैंने आपकी तवज्जो से कह भी दी अपनी बदल की बात उनको, शायद उनके मुंह पे कभी नहीं कह पाता। मेरे तवज्जो से ये मतलब आपके, आपका नाम लगा के साथ मिला के खाए ना। अच्छा, सही है, मुझे भी आपने मुलव्वज़ कर लिया अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़। मैं तो आपको हमेशा मुलव्वज़ करके चलता हूँ। मुझे भी ये आज पता चल रहा है कि मैं भी मुलव्वज़ हूं। आप मुलव्वज़ होती हैं? आपको ये भी नहीं पता कि आप हर जगह मुलव्वज़ हैं? बिल्कुल मुझे नहीं पता इस बात की। यही तो बात होती है, बॉस को मालूम नहीं होता मुलव्वज़ कहाँ का है। बिल्कुल बिल्कुल, बस एफआईआर कट जाती है, उसके बाद आप हथकड़ियां लग जाती है और सजा कारिंदे बच जाते हैं, उन्हें 10 साल की सजा होती है, फांसी आपको, और क्या। सही है, हाँ सही बात है, कुछ लोगों के साथ जिंदगी गुजारना भी फांसी से तो कम नहीं होता। लेकिन आपने माशाल्लाह जिंदगी अपनी किसी ऐसे के साथ गुजारी, फांसी हो, आपने कमाल जिंदगी यार, मारिया ने जिंदगी जो गुजारी है कमाल। अच्छा, लाहौर से ताल्लुक है उनका? लाहौर से ताल्लुक, अब कराची में होती है? अब कराची में होती है, चार शहर रह गए। ओए होए होए, बहुत बहुत मजा आएगा, ओए होए, बाबा बारिश होगी, बहुत मजा आएगा, ओए होए, आंसू निकलेंगे, आंसू निकले, बाप बाप मजा, बाप ज्यादा पानी आएगा, बाप मजा। आपने कश्ती रखी हुई है? कश्ती याद, कश्ती दिला दी याद आपने मुझे, उसमें वो तुर्की की गुलुकारा क्या कश्ती थी, वो नीचे खाना खिलाया था आपने, नीचे उसका अपर डेक प्रोग्राम होता था, नीचे डेक में नीचे वाले में खाना खिलाया था, क्या खाना खिलाया था आपने, टर्किश खाना इन्होंने मंगवाया था, मेरे सबके लिए मंगवाती नहीं, मेरे लिए खासतौर पर मंगवाया था, फिर मैं चला गया था सेकंड डे में, कहा था रुको मुझे जाना था, पता नहीं कोई कराची में कोई प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता था आपको,
हाँ, it was very nice. बहुत मजेदार. I had a good time over there. और वैसे खूबसूरत मुल्क है. बहुत खूबसूरत. बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्रोमा किया हुआ है. मैंने कहा नहीं भाई, क्रोमा नहीं है ये. हाँ लोग कहते थे. हाँ हाँ बिल्कुल कि क्रोमा है ये. जाती थी लंबी, वो दूर घूम के एक राउंड लेकर आती थी, एक और राउंड लेती. तीन राउंड में इनका शो खत्म हो जाता चक्कर में. हाँ तीसरे चक्कर. तीन तीसरे चक्कर तक खत्म. चक्कर ये ज्यादा चलना नहीं थी. मैं कहती थी नेक्स्ट. अच्छा भाई ओह मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन है. मेरी उनसे दोस्ती है. हाँ बहुत दोस्ती. बहुत. बहुत दोस्ती है मेरी. बहुत. छोटे कद की हैं. उम्र की भी छोटी होंगी फिर. छोटी है उम्र की. 38. अच्छा बस आपने बड़ा भाई फाइलें खोली हुई है सबकी. हाँ. आपकी कहाँ कहाँ खुली हुई है फाइलें? मेरी फाइलें तो नहीं खुलती ना. गैस बोल बैठा तो सही है. अच्छा तो उनका जैसे आपका नाम आमिर है, उनका भी नाम ए से शुरू होता है? ए से शुरू होता है जी. ओके फिर. सिंगर भी है. हाय हाय सिंगर भी है. सिंगर भी है. अदाकारी भी करती है. अदाकारी भी. पेंटर भी है. पेंटर भी है. पेंटर भी. टर्टर काफी है. टर्टर है. और पता नहीं जिंदा कैसे है ये हालात में. जो मैं हैरान हो जाता हूँ. मतलब इसकी जिंदगी कहाँ है? नहीं मुझे ज्यादा पता है. मुझे सब पता है कि वो जो जिंदगी है वो कहाँ से हासिल करती है. आयशा. आयशा उमर. आयशा मैंने अपने दिल की बात आज मारिया को कह दी. कह दी मैंने आज भारत. अब जाहिर है कि आप बता दीजिएगा. वैसे देख भी नहीं. अब क्या बता रहा. देख लेगी. फिर देख लेगी. उसके बाद देख लेगी. देख लूंगी. नहीं नहीं खुदा की कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. मैं मुलव्वस हूँ जी. मैं मुलव्वस हूँ. हाँ जी मेरा कसूर है. हाँ ये मुलव्वस. इन्होंने मुझे कहा था मेकअप रूम में आप ये वाला पूछेगा, इस तरह से पूछेगा. मैं तो आपसे बहुत आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ. मैं आप तो मेरी बहनों की तरह है. मैंने कभी भी आपको इस तरह नहीं कहा. इन्होंने मुझे कहा था. इन्होंने कहा था. वक्फा लेते वक्फे के बाद हाजिर होते जीते पाकिस्तान. कुर्बान जाइए एहतियात के साथ. ईद उल अज़हा स्पेशल ईद की एक रात से पहले जीवे पाकिस्तान. अम्मा रिया वासी के साथ आप लोग दिख रहे हैं और बहुत मजेदार. अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ. कुर्बानी के जानवर के जेवरात में से अगर आपको कुछ पहनना पड़े तो आप डैश पहनेंगी, पायल या हार? तो आप पायल पहनेंगी या आप हार पहनेंगी? कुर्बानी के जानवर के जेवरात में से जी अगर आपको कुछ पहनना पड़े, पायल या हार? अच्छा मैं अब तौर पे एक बात समझता हूँ, शायद वही पहनूंगा. वो मैं बाद में बताऊंगा, आप जब बता देंगे. मैंने जो सोचा जब मैं बता दूं पहले. हाँ बताएं. पायल पहनूंगा. अच्छा पाँव में बेड़ियां? नहीं नहीं पायल. 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 बेड़ियां क्यों डाले आपके पाँव में? जेवरात. हार तो फिर और भी गंदी चीज हो गई. हार तो भी पकड़ के लेके उसमें तो घसीटना पड़ता है ना. अच्छा पायल या हार? हाय वैसे अच्छी बात है. पायल जो है ना वो हमने उर्दू में लिखा है. वैसे अंग्रेजी में पायल तो अच्छी चीज नहीं होती. नहीं बिल्कुल नहीं. बहुत बुरी बात है. पता नहीं चलता ना. नहीं पता चलता. ये हार जो है हार है या हारना? नहीं ये हार है. हारना नहीं. अच्छा सोने का है हीरों का है? आप अगर हाँ कर देती तो हीरो का देता. बट होता तो कुर्बानी का जानवर ना. नहीं नहीं आपको कुर्बानी की जानवर क्यों चीज़ देता? मैं तो आपके आप आप आपके पीछे जो लिखा है मैं वो होता. कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात के साथ. आप क्या एहतियात बरतते हैं? आप क्या एहतियात बरतते? मैं आपको तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, आपको और बात नहीं करता. ख्याल रखता. Are you sure? 100%. अच्छा एक तो you are always 100% sure.
अच्छा जी, कुर्बानी के जानवर के जेवरात में से अगर आपको कुछ पहनना पड़े तो आप क्या पहनेंगी? अच्छा चलें, हार। हार पहने, हार पहनेंगे। जवाब दो से भाई। अच्छा, पायल पहनाई जाती है, हार पहना जाता है। तो इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। हार ही पहना जाता है, हार इंसान खुद भी पहन लेता है, हार पहनाते भी है। पायल खुद पहनना बुनियादी तौर पर मशरकी रिवायात में है नहीं, पायल हमेशा पहनाई जाती है, इसलिए हार बिल्कुल सही है। ऐसा भी देखा गया है कि एक मुद्दत तक साथ रहने और काम करने वाले अपने साथियों के डैश को भी समझ नहीं पाते, मिजाज या मजा। मुझे तो दोनों ही लग रहे हैं। हाँ, बिकॉज आप जानते हैं कि पंजाब का, लाहौर का मजा भी और है और सब कुछ। तो जब मेरा ज्यादा यहाँ पे काम शुरू हुआ तो बिल्कुल सेट्स का माहौल डिफरेंट था, बिकॉज हम लोग वहाँ पे जुकते लगा रहे हैं, लाइक आपके सारे कोलीग्स हैं ना, एक मजे का माहौल रहता था। तो यहाँ पे आई तो मीन बिल्कुल ही वो बिल्कुल कोई मजाक का किया तो वो समझ ही नहीं आया, तो ऊपर से गुजर गया। तो पंजाबी हैं तो शर्मिंदगी भी हो कि पता नहीं हमें क्या हो गया। तो वो मैंने जो है ना टाइम जो है वो जरा मैंने देखा, और मैंने फिर मैं आई यूज टू क्रेव कि मेरे को लाहौरी एक्टर्स आए तो जरा थोड़ा सा जरा हलचल हो, जरा सेट के ऊपर जरा यू नो हल्ला गुल्ला हो। ये पंजाब का मजा बिल्कुल अलग है, बहुत मजेदार है, क्योंकि खासतौर फैसलाबाद के जोश तो भाई आदमी परेशान हो बहुत विटी है। अच्छा, मुझे तो भाई देखें, एक मुद्दत के साथ रहने और काम करने वाले अपने साथियों के डैश को भी नहीं समझ पाते। वैसे तो बहुत सारी और चीजें भी हो सकती थी, मजा और मिजाज। मुझे मजा लगता है, लेकिन यूजुअली तो मिजाज होता है। मिजाज यूजुअली होता है, लेकिन आपको मजा लगता है, अपने साथियों के मिजाज को भी समझ नहीं पाते। जवाब दुरुस्त है जी। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने आप डैश के साथ जाना पसंद करेंगी? आमिर लियाकत, फहद मुस्तफा। आमिर लियाकत, अच्छी वो बार्गेनिंग करा देंगे। हो सकता है मुफ्त में ही हम ले आए जानवर कुर्बानी का। लोगों को माशाल्लाह इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानती है कि कहां पर लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, बार्गेनिंग करा दें। आप जो कहेंगे वो करा दूंगी, क्या बात कर रहे हैं। डैश में मस्त आदमी हसद और जलन से दूर मुतमईन और शाद नजर आता है, चाल या हाल? चाल में मस्त आदमी, हसद जलन हाल में। चाल में मस्त आदमी या हाल में मस्त आदमी? मस्त आदमी हसद और जलन से दूर। अच्छा, शाद नजर आता है का तो हाल मुझे लगता है बदहाल ही होगा आजकल तो। हाल में जाहिर है कि चाल तो एक मखसूस एक चलने को कहते हैं, चाल चलन यानी चाल चलने को कहते हैं, लेकिन हाल ऐसा होता है जिसमें अगर आदमी मस्त हो तो उसमें हसद जलन इन सब से जो है वो अपने आप को मुतमईन शाद दिलाता है, उसका हाल अच्छा है, हाल में मस्त है। बिल्कुल सही है, हाल। एक तन्हा और जवान औरत का मुआशरे में डैश के बगैर, सवाल आपने लिखवाया है, डैश के बगैर जिंदगी गुजारना अगर नामुमकिन नहीं तो इतना ही मुश्किल। मैंने नहीं लिखवाया, मैं इसके कायल नहीं हूँ, मैं जाती तौर पर बात का कायल नहीं हूँ। अच्छा, जाती तौर पर नहीं है आप? मैं नहीं हूँ कायल, नहीं। औरत गुजार सकती है, उसको किसी की जरूरत नहीं। अच्छा, ये मर्द की मदद तो नहीं लिखा है? असल में ये है कि मर्द की मदद अगर हो जाए तो अच्छी बात। एक तन्हा और जवान औरत का माशरे में वो मदद करने वाले भी तो मर्द ही होते हैं जो हर वक्त लाइन में खड़े हैं कि हम आपकी कोई मदद कर दें। के बगैर मुझे गुजारना मुमकिन नहीं, तो मैं भी जाती और ज्यादती तौर पर इस पे बिलीव नहीं करती, तो मदद अगर गलत भी है जवाब तो मैं मदद के साथ जाऊंगी। बट आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि मदद ही को लेना चाहिए आप। एक तना जवान और माशरे में मदद के बगैर, मर्द के बगैर तो फिर वैसे भी एक ये जुमला बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब मर्द के बगैर जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं जी। आइए जंबल वर्ड्स, ये क्या है जी? जी ये क्या करना है? इसको आपने वर्ड सही कर दिया, ये इधर-उधर हुआ वैसा। अच्छा अच्छा, ये वैसे आप अल्फाज के मामले में ऐसी हैं। क्या मतलब? ये जो है ये आप है, ये वर्ड जो है ये आप है। मैं हूं? हां, अल्फाज, अंदाज, गुफ्तगू, उसमें आप कभी कभी ये कर देती है।
नहीं नहीं अब आप कुर्बानी के माहौल में चल रहे हैं तो आप ऐसे तो ना कहें ईमान से नहीं नहीं कर देती हैं लफ्जों के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं अच्छा कसाईयों की तरह कसाईयों की तरह ठीक है मैं तो कुछ और समझी थी लेकिन अगर आप मुझे कसाई बुचर समझ नहीं नहीं लफ्जों में है नहीं आप अल्फाज मेरे लिए तो नहीं आप जिसको कहा लगा दिया बुचर हूं मैं मतलब आप लिहाज नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए कुछ लोगों का लिहाज करना नहीं चाहिए ये सही करती है कुछ लोग इस काबिल नहीं उनका लिहाज करें तो वहां बुचर बनना पड़ता है तो बुचर ही बनना पड़ता है हाँ बुचर बनना पड़ता है हाँ यस आज आप जो वर्ड आ रहे हैं ये आप इस्तेमाल बहुत करती हैं अच्छा नहीं मैं नहीं करती नहीं करती किसी ने मुझे कहा था आप करती नहीं नहीं आप लोगों की बातों पे बिलीव कर लेते हैं ना ये तो गलत बात है नहीं करूंगा नहीं, नहीं, नहीं आप कर लेते हैं आज से नहीं आप मैं वादा करता हूँ मैं कसम खाता हूँ आज से नहीं करूंगा बस वो वादा ही क्या जो वफा हो गया नहीं नहीं ये वफा कर दूंगा वफा कर देंगे उस आदमी को दफा कर दूंगा दफा बात कर देंगे हाँ, 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 कौन से वाला दफा है ये दफा ये एन वाला है या नहीं नहीं एन वाला इसमें कुछ लगा देना मैं दफा नहीं ट्विटर नहीं मैं यूज़ करती ट्विटर यूज़ नहीं करती बिल्कुल सही बात है अच्छा मगर ये अगला वर्ड जो आ रहा है ये आप इस्तेमाल करती हैं ये करती हैं करती हूँ इस्तेमाल अभी आ रहा है ये करती हैं बहुत कम करती है अभी देख चाय पी रही हूँ मैं मगर मैं काफी हो गई ये मुझे पता है हाँ काफी यस यहाँ आपका दिल चाहता है काम करने के लिए इधर मेरा तो काम करने को नहीं दिल जा रहा आजकल क्यों कोई ड्रामा लिखता हूँ मैं आपके लिए लिखें एक बाकायदा एक खातून आहन जैसा ड्रामा आपके ऊपर हो पूरा रियली हाँ बस ठीक है तलवारें निकालने दो है ना तलवारें नहीं मतलब एक माशरे में एक ऐसी औरत जिसको तरह तरह के मसाइल का सामना उनसे निपट रही है ठीक है अकेली लड़ रही है फिर हॉलीवुड जाने की क्या जरूरत है बंदा यहीं रहे फिर है ना जब आप लिख रहे हैं नाम ही रखते हैं ड्रामे का या खलील ने लिखा है मेरे लिए ड्रामा या आप लिखेंगे नहीं नहीं एक ये ड्रामा हम लिखेंगे नहीं वो तो थी मेरे पास सुनो हम इसका रखेंगे मारिया बस ठीक मारिया पाकिस्तान की मारिया ठीक है फिर डन है ड्रामा लिख रहे हैं ना मैं लिख दूंगा मैं तो आजकल ड्रामे लिख रहा हूँ आज दिखाइएगा जी आइए अच्छा ये क्या ये फॉर्म भी होता है और ये आप ये एक चीज भी होती है जिसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क होता है तलफ्फुज़ में वो आ जाता है क्या होता है ये सॉरी ये फॉर्म भी होता है यानी फार्म हाउस होता है ना इसे फार्म हाउस जैसे हाँ हाँ तो ये फार्म हाउस भी होता है लेकिन और ये कुछ बनता भी है इसमें टक्कर करते भी अच्छा सिर्फ एक 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 वर्ड का फर्क होगा तो वो बनने वाली चीज आ जाएगी बजने वाली नहीं बनने वाली जैसे बन के इसमें डलती है प्यारी में डलती है सिर्फ एक वर्ड गलत है वर्ड गलत एक नहीं नहीं सॉरी एक लेटर गलत है एक लेटर गलत है अगर वो लेटर हटा के वो लेटर लगा दे तो मगर बोलने में दोनों एक जैसे अच्छा 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 कुर्बानी है ईद है तो बस आप यही तो जब मैं आपको कैटल लेने लेकर चलूंगी तो फिर हम कैटल से चाय पी के भी चलेंगे हां यस ओके वेरी गुड अगला वर्ड दिखा दीजिए आखिरी वर्ड ये आपके पास ही गई है नहीं है गई तुम मेरे पास हो हाय हाय एक बार बोल दे हैं बोल दे प्लीज आगे क्वेश्चन मार्क भी था तुम मेरे पास हो मैं तुम्हारे पास हूँ तुम कहो तो सही बांग्लादेश का तो टका भी बहुत महंगा हो गया अब कर लो तुम मुझको जितना करना है आखिर में जिंदगी में मैं ही रह जाऊंगा ये बदला होगा ना नहीं बदला नहीं होगा मैं बदला होगा बदल जाएंगे मुझे पता था आप बदल जाएंगे इसीलिए तो आप पर एतबार नहीं नहीं एतबार क्या बात है वो बहुत देर की बात होगी बहुत आगे आगे बहुत आगे मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में पढ़वाऊंगा
जानना वही है ना मेरे जिंदगी भर इमरान खान के साथ तो नहीं जमा कर रहे होंगे आप रहने इमरान खान के साथ तो बीमारी भी होगी तो वही होगी शौकत खान मेमोरियल अस्पताल में तो फिर आप शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते शौकत खान में अभी से अभी से तो शाही है अच्छा बनीगाला तो शाही है बसेरा कर बनीगाला की चट्टानों पर नहीं तेरा नशेमन नहीं तेरा नशेमन खुदादाद कॉलोनी में तू शाही है बसेरा कर बनीगाला अब तो ये वहीं का शाही है हाँ हाँ वहीं का शाही है वहाँ का टाइगर है टाइगर 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 फोर्स है टाइगर फोर्स 12,000 दें टाइगर्स को ज्यादा दे रहे हैं देखिए मारिया से बात करने में तो मजा आता पता नहीं अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा मावर से बताया भाई मावर से क्या बात ट्रुथ एंड लाई चलो ट्रुथ एंड लाई दिखाएं बकरे के बत्तीस दांत होते हैं बकरे के आठ दांत होते हैं बकरे के अरे बारह दांत होते हैं अब बोलो 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 तुम ही बोलो बकरे के कितने दांत होते हैं बकरा ये कह रहा है कि मेरे दांत मेरी मर्जी तुम्हें क्या प्रॉब्लम बकरे की खाल बकरे की मर्जी बकरे के दांत बकरे की मर्जी बकरे की कुर्बानी बकरे की मर्जी क्योंकि बकरे मेरे पास तुम हो अरे देखिए अगर आपके 32 दांत होंगे तो इसका मतलब है आपके 8 दांत भी हैं और आपके 12 दांत भी हैं तीनों में ही हूं मतलब ये ना माशाल्लाह माशाल्लाह कुर्बान कब कर रही है मुझको जी कुर्बान कब कर रही है अपने ऊपर से अभी इसी वक्त आपने मुझे कर दिया कुर्बान आप कभी किसी पे कुर्बान गए कुर्बान जाऊं अभी तक अभी तक नहीं आठ दांत होते नहीं नहीं बस बकरा कह रहे सही है 32 होते हैं क्योंकि इनका बकरा मैं हूं अच्छा सऊदी अरब वो मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं अम्मान वो मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं कुवैत वो मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं I think it's Saudi Arabia. समंदर होता है दरिया तो होंगे ना तो दरिया ये एक्चुअली अरेबियन सी है वो उमान नहीं उमान में भी है समंदर है कुवैत 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 इज द राइट आंसर क्योंकि उधर सिर्फ तेल है तेल के दरिया है तेल है तेल तेल है बकरे की उम्र औसत 5 साल होती है बकरे की उम्र औसत 6 साल होती है हर साल तो कुर्बानी आ जाती है हाँ। तो बेचारे की क्या अगर आ जाता है कुछ बच जाते हैं बच जाते होंगे निकाल लेते नहीं वैसे 6 साल तक तो जाती होगी आप हर साल माशाल्लाह बकरा कुर्बान करती हैं तो हर साल नहीं आता आपके पास अभी इस साल का बकरा मैं हूँ आपका आप कहाँ कहाँ से ये बकरा बच के आया है बकरा बच के आप पकड़ लिया आपने कहा मेरे तो बकरे के 32 दांत होते इस बकरे के हैं क्या करें अब और ही बताया बकरों के बारे में मुझे ज्यादा इल्म नहीं है ना उनके दांतों के और ना उनकी बाकी हालात का तो ये कौन सा है ये ये आप ये बकरा ये इन दोनों में से कौन सा है ये 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 खुशबू शर्म से मर जाए ना बाकी 4 साल की उम्र में मर जाए हाँ 4 साल बकरे की औसत उम्र 4 साल फाख्ता दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है हेमिंग
दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है नहीं, नहीं फाख्ता है नहीं, चिड़िया दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है, हमिंग 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 बर्ड, हमिंग हमिंग नॉट हमिंग हमिंग फाख्ता हमिंग बर्ड। ये आवाज आ रही है ना, आवाज कौन सी, किसकी चिड़िया की, ये तो चिड़िया है, फाख्ता की गलत, फाख्ता की ये मुंह से निकाल देगा, हमिंग की तो दिखा सकते हमिंग बर्ड, हां हमिंग बर्ड चिड़िया, हमिंग बर्ड इज वेरी स्मॉल, हमिंग बर्ड मिचेल्स के इश्तिहार में आता है, हां हमिंग बर्ड मिचेल्स के इश्तिहार में आता है, हां अबाबील जो होती है वो कितनी, अबाबील बड़ी होती है, आई थिंक हमिंग बर्ड इज, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड इज द राइट आंसर, दुनिया का सबसे छोटा परिंदा हमिंग बर्ड होता है। वक्फे थे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे मारिया हमारे साथ है, जीवे पाकिस्तान। हमिंग की तो दिखा सकते हमिंग बर्ड, हाँ हमिंग बर्ड चिड़िया, हमिंग बर्ड इज वेरी स्मॉल, हमिंग बर्ड मिचेल्स के इश्तिहार में आता है, हमिंग बर्ड मिचेल्स के इश्तिहार में आता है, अबाबील जो होती है वो कितनी, अबाबील बड़ी होती है, आई थिंक हमिंग बर्ड इज, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड इज द राइट आंसर, दुनिया का सबसे छोटा परिंदा हमिंग बर्ड होता है। वक्फे थे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे मारिया हमारे साथ है, जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद, और जीव पाकिस्तान में हमारे साथ तशरीफ फरमाए, जीव पाकिस्तान की बहार, यानी जीव पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तान की बहार। और मैंने अभी पहले भी कहा था, फिर कह देता हूँ कि पाकिस्तान की एक वर्सटाइल फनकार है, एक ऐसी फनकारा जो पाकिस्तान की पहचान बनी, पाकिस्तान की पहचान बना, ये भी इंसान है पाकिस्तान पर, हम भी इंसान है पाकिस्तान पर। और तशरीफ फरमाए हमारी वासी साहिबा, अब इनको हम आज एक नए सेगमेंट का आगाज कर रहे हैं इनके आने से, और इनके आने से वो सेगमेंट है जेपी ट्रेन, जीवे पाकिस्तान ट्रेन। ये ट्रेन चलेगी पाकिस्तान के मुख्तलिफ, टिकट कितने का है? टिकट कितने का है? ज्यादा हो गया या कोई कंसेशन है क्या? वो फ्री में चल रही है। फ्री में? हाँ, बस ये वजह है कि आगे जाके ट्रेन का नथिंग इज फ्री, फिर बहुत नहीं, आगे जाके फाटक खुला हुआ टकरा जाएगी, वैसे फ्री में चला रहे इसी मतलब कि आगे तो बचने ही नहीं है, तो टिकट के पैसे मिले। तो ये ट्रेन जो है ये चारों सूबों से गुजरेगी, तो पहले हम जहां पर रुकेगी पूछेंगे मारिया से कौन सी जगह है, अगर उन्होंने बताया तो अच्छी बात है, वरना फिर हमसे पूछेंगे किस सूबे में है, इस तरह हमें बताएंगे। तो भाई ये ट्रेन का आगाज होता है, देखिए कहां से, हो सकता है लेट हो जाए ना पहुंचे, लेट हो सकती है लेकिन चलने तो दे, तेल है उसमें, फ्यूल वगैरह, ईंधन वगैरह, कोयले से चल रही है, फ्यूल की जरूरत ही नहीं है। कौन सी जगह है, किस सूबे में, ये नहीं देखा हुआ मैंने, लेकिन ये कोई ऐसा मुझे पता नहीं है कि विच प्लेसेस मैंने इसको देखा नहीं हुआ, कोई ऐसा गवर्नर हाउस टाइप तो नहीं है जो कि जिसकी दीवारें तोड़ के उसको पार्क या उसमें तब्दील है, तो गवर्नर हाउस, गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस, किस सूबे का, मुझे नहीं पता क्योंकि बाकी तो देखे हुए, तो मेरे ख्याल में ये बलोचिस्तान, गवर्नर हाउस बलोचिस्तान। गवर्नर हाउस है, रुक गए हम, आगे बढ़े जी, कहां पे रुकिए, दर्रे खैबर, दर्रे खैबर, खैबर के खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, बीबीसी, बीबीसी, जान मेरी करू नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये तेरा, तेरा दीवाना, बीबीसी रीने जड़े गुल्ले रवा देवा, जवा सुरशा जोड़ा सुना, बीबीसी
खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर गेट से ट्रेन अब आगे बढ़ रही है। मलका आलिया का शहर लाहौर, मलका आलिया का शहर आलमगीर गेट लाहौर। हाँ जी, अब यहां से निकली है ट्रेन और अब आगे बढ़ रही है। देखिए कहां जाती है, मुल्तान, मुल्तान नहीं, बांग्लादेश तो नहीं पहुंच रही, पाकिस्तान नहीं अभी। हाँ, जमीनी रास्ता नहीं पहुंच रहा, बंद कर दिया। अच्छा, ये अच्छा, माशाल्लाह ट्रेन के इंजन के पहिए इतने छोटे हैं कि आगे मसला कुछ ना कुछ हो सकता है, बाकी सारे बड़े बड़े। नहीं, मुझे this is not Multan, this is like बहुत फेमिलियर है। नहीं, अच्छा, आई थिंक दिस इज इन सिंध। सिंध, ओके, सिंध, सिंध। एंड नहीं, मुझे I'm sure अगर आप बताएं। शाह अब्दुल अजीज भुटाई, बिटशा इलाका है और यह है सिंध। सिंध मेरा सिंध, आपका सिंध हमारा सिंध। चले जी, अब आ जाते हम गेस्ट दी सेलिब्रिटी। और आपने ये क्या, मेरा इम्तिहान है, इसके बाद मुझे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा प्रोफेसर आमिर लियाकत। नहीं नहीं, उसमें लिखा होगा कि आमिर लियाकत को फतह करने वाली हमारी आवाज थी। निकल जाओ, इस दर से निकल जाओ। आप ही करके तो देखिए, कभी कुछ हमारे कहने से भी कर ले, आप ही कहने से भी कर ले। आप बड़ी अनप्रिंटेबल है। शुक्रिया। अभी आपने कहा था हम चलते क्यूबा साथ। हाँ, वो तो मैंने कहा था ना, इसलिए उस बात बदल गई। आपके कहने पे नहीं, मैं आपके साथ जा रही थी, मैं अपने कहने पे जा रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ, there's a difference। नहीं तो मैं अगर आपके साथ चलना चलूंगा तो मैं क्या बुराई है? हाँ, आप चलें, इसी ट्रेन पे चलते हैं। ये ट्रेन क्यूबा नहीं जाती? नहीं जाती है। ये क्यूबिकल तक जाती है? नहीं, ये क्यूबिकल तक भी नहीं जाती है। ये क्यूबिकल तक भी नहीं जाती। अच्छा चलो, ठीक है, नहीं चलते। चलो ये बताएं, कौन सा? अच्छा, ये तो आप बता दीजिए। फॉरन? नहीं, बिल्कुल फॉरन बता सकते हैं, हो नहीं सकता क्या? आप भी क्या? आई मीन ये कौन है? ये ये आप 100% बता सकती हैं? हाँ, आप 100% ये बता सकती हैं? अच्छा, मुझे इतना यकीन है आप पर। आई नो, जो हमारे पेंटर हैं वो स्कल्प्टर। स्कल्प्टर जो है? नहीं ना, ना है उसी टाइप की चीज। देखिए देखिए, उससे भी बड़ी चीज है, उससे बड़ी चीज। थोड़ी जो आप बताएं, आप बताएं। ओ, एदी साहब, अब्दुल सत्तार एदी। यस, इनकी दिखाइए, इनके साथ हमने काम किया है। हमारे साथ ये चैनल पे काम करती थी पहले, ये मेजबानी के फरज अंजाम देती थी, अब ड्रामा भी आने लगी है। बहुत जबरदस्त नस्तालिक किस्म की खातून है। हिना ख्वाजा बयात। बहुत प्यारी खातून, बड़ी प्यारी। आ जाते उनकी तरफ कि जो अगर ना होते शायद आमिर लियाकत हुसैन भी ना होता। मतलब मैं इनको देख देख कर मैंने शायद बोलना भी सीखा है। मैंने शायद कभी साहब, कभी साहब मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे बॉयफ्रेंड है बचपन से, मेरे बचपन से। हाँ, तो मैं जब बचपन से आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हूँ तो आप क्यों नहीं मानती? मैं जब बचपन से आपको गर्लफ्रेंड बनाया हूँ तो आप क्यों नहीं मानती? नहीं, बस वो उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी ना। आप दिल भी तोड़ती है ना लोगों की? जी जी, बिल्कुल, दिल भी। यानी आप मुंह पे तोड़ देती है दिल? हाँ, थप्पड़ वप्पड़ मारे हैं मैंने। नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारे, दिल तो तोड़ दिया आपने। पर इंसान झूठे भी कह देता है। कितनी बार आपका दिल टूटा है? नहीं, मैं आपकी बालियां यहाँ पे रखी ना, उसमें से बीच में से कूद कूद के जाऊंगा। अच्छा। आग लगा के उसमें से बीच में निकल के सर्कस, लकी रानी सर्कस, लकी रानी सर्कस। दिखाए कवि साहब, कवि साहब तालियां।
She's a wonderful actor. But अब नहीं अब एक्टिंग नहीं करती. वंडरफुल एक्ट्रेस थी और अब मेजबानी भी की है इन्होंने. अच्छी खातून है, बहुत मिलनसार, बहुत बाखलाक, बच्ची है, बहुत प्यारी थी. सादिया इमाम. अच्छा इनका आपने बताया ये आप कहती तो अपने आप को हुसैन है जो नाम इनका, लेकिन हुसैन है ही नहीं स्पेलिंग इसकी. ये कुछ भी कहती रहे, हम नहीं कहते उसे. You can, I can, he can, no one can, who can, okay, Urva, who can, okay, but she can, Urva who can, then we can, but she can, but she can, she can, Urva who can, not Urva who can, yes. आइए जी सेंसेशनल मोमेंट की तरफ आ जाते हैं. यादव शिला, ये क्या है भाई सेंसेशनल मोमेंट? आ जाइए. अच्छा ये है हमारा सेंसेशनल मोमेंट. कोई और सवाल नहीं, मैं सामने खड़ी हूँ. किस किस्म का सवाल ही है जो मैं रात भी नहीं है. सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल. सीधी खड़ी हूँ. हाँ, होस्टिंग की एक्टिंग. होस्टिंग की एक्टिंग. अच्छा, कॉफी या चाय? चाय. रियलिटी शो या मॉर्निंग शो? मॉर्निंग शो. तुर्की या तंजानिया? टर्की. फिटनेस या ब्यूटी? फिटनेस. रियासत या औरत का घर? रियासत. एहसन खान या इमरान अब्बास? इमरान. ब्लू या ब्लैक? ब्लैक एंड ब्लू. ओके. लाहौर या कराची? कराची. चाशनी या कढ़ाई? कढ़ाई. पैसा या मोहब्बत? पैसे की मोहब्बत. सारे जवाब आप खुद देना. चना चाट या फ्रूट चाट? चना चाट. बाबरा शरीफ या मानूर बलोच? कौन सी शरीफ? बाबरा शरीफ या मानूर बलोच? बाबरा शरीफ. शौकत अजीज या यूसुफ रजा गिलानी? कोई नहीं, कोई नहीं. कौन? नाइट पर्सन या मॉर्निंग पर्सन? नाइट पर्सन. ओके, बहुत सही. नाज़रीन मोहतरम, मारिया पाकिस्तान की एक ऐसी फनकार है, एक ऐसी होस्ट है जिनकी मेरा ख्याल ये है, मैं ज़ाती तौर पर ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है मारिया भी इसे इख्तलाफ करें, हो सकता है आप भी करें, मारिया की कदर नहीं की गई सही तरह, खासतौर पर होस्टिंग के मैदान में. आपने देखा होगा इनको जुमले अदा करने में, बात से बात निकालने में, ज़ुमाना गुफ्तगू में एक मलका हासिल, और ऐसे लोगों की हमारे यहाँ बड़ी कदर की जानी चाहिए, उनको शोज दिए जाने चाहिए. क्योंकि देखिए एक्टिंग की कर चुकी, कर भी रही है. एक्टर कभी ख़त्म नहीं होता, एक्टर की कोई उम्र नहीं होती, एक्टिंग जिंदगी के आखिरी दम तक इंसान करता है. पड़ोसी मुल्क में आप देख लें अमिताभ बच्चन, उनकी उन्हें अपनी जिंदगी के हर एक, चूंकि मैं ज़्यादा तौर पर पसंद करता हूँ, तो आप देख लीजिए कि उन्होंने अपनी उम्र के साथ साथ अपनी एक्टिंग को दबाव बख्शा, तो इनकी एक्टिंग तो इसी तरह चलती रहेगी. लेकिन इसके अलावा इनके अंदर एक और कलर है जो अमिताभ में था, और वो कलर था होस्टिंग का. तो इनको होस्टिंग की तरफ बार बार आना चाहिए, और इनकी ज़ुमानी गुफ्तगू, इनके और हाज़िर जवाबी, और हाज़िर जवाबी भी ऐसी हाज़िर जवाबी के जो बाकायदा इंटेलेक्चुअल किस्म की हो, ऐसी फजूल की बात ना हो. तो मारिया मैं आपसे बड़ा मुतासर हूँ, एक बार फिर आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, फिर दोबारा कहते दोबारा मैं तो आए लगे. इनको हम भरपूर तालियों में रुख्सत करते हैं. ये सेंसेशन का गिफ्ट आपके साथ जाएगा. थैंक यू वेरी मच. और ये आपसे बाहर कोई लेने की कोशिश करें आप दीजिएगा नहीं, मैं आपको देता हूं. और बहुत सारी तालियों में मारिया को हम रुख्सत करते हैं. जीवे पाकिस्तान.